हेलो एवरीवन सो तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो बिकॉज इन केस ऑफ योर एडमिशन ऑफ पार्टनर वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशो तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट आपको करना है और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखना जैसे अभी हम इस वीडियो में दो कैलकुलेशन सीखेंगे दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लाए हैं फर्स्ट एग्जाम्पल अभी हम साथ में सॉल्व करेंगे कि एग्जैक्टली न्यू रेशियो आपको कैसे कैलकुलेट करना है देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेश ऑफ थ्री टू टू तो हमारे पास दो पार्टनर है यहाँ पे ए और बी तो ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेश ऑफ थ्री टू टू तो उनका रेशियो है थ्री टू टू का दे एडमिटेड सी इन द फर्म फॉर वन फिफ्थ शेयर तो उन्होंने सी को बिजनेस में लाया है तो सी को उन्होंने बिजनेस में लाया है तो अगर सी बिजनेस में आएगा वन फिफ्थ शेयर को लेके तो न्यू रेशो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है तो सबसे पहले न्यू रेशो का एक फॉर्मूला होता है तो न्यू रेशो का फार्मूला लिखेंगे न्यू रेशो इक्वल टू फॉर्मूला है बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो ठीक है फॉर्मूला क्या है बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो तो अभी सबसे पहले हमें बैलेंस ढूंढना है तो हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस ध्यान से समझना बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है फॉर्मूला है वन माइनस आपका जो भी पार्टनर आया होगा बिजनेस में उसका जो रेशो रहेगा वो माइनस करना है वन माइनस वन फिफ्थ तो वन फिफ्थ शेयर लेके आया था तो फाइव वन ज फाइव माइनस वन कितना होता है फोर तो बैलेंस कितना बचेगा फोर फिफ्थ तो फोर फिफ्थ आपका बैलेंस बचेगा ठीक है ये आपका बैलेंस है दिस इज योर बैलेंस जैसे ही आप बैलेंस को कैलकुलेट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे बैलेंस को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ध्यान से कैसे कर रहा हूं ध्यान से समझना जैसे ए है ठीक है क्या है रेशो थ्री इज टू टू ये आपका ओल्ड रेशो है टोटल कितना है फाइव है तो ए के लिए मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई तो व्हाट इज योर बैलेंस बैलेंस वी हैल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो देखो ए का क्या है थ्री टू मतलब थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव तो फोर थ्री जा कितना होगा फोर थ्री जा ट्वेल्व और फाइव जा कितना होगा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ये हो गया हमारा फर्स्ट ए का कैलकुलेशन अब बी का भी सिमिलर करेंगे फोर बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सेकंड का टू है तो टू बाय फाइव तो फोर टू जा बनेगा एट और फाइव जा फाइव आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है अभी सी का करेंगे सी का रेशो क्या था सी कितने शेयर के लिए आया है बिजनेस में ही वॉज एडमिटेड फॉर वन फिफ्थ शेयर तो वन फिफ्थ मल्टीप्लाइड बाय अभी यहाँ पे देखो ओल्ड रेशो तो इसके पास है नहीं क्या करना है आपको डिनोमिनेटर सेम करना है अगर हम फर्स्ट का डिनोमिनेटर देखें तो ट्वेंटी फाइव है सेकेंड का डिनोमिनेटर भी ट्वेंटी फाइव है तो थर्ड का भी हमें ट्वेंटी फाइव करना है तो फाइव को अगर हमें ट्वेंटीफाई करना है तो फाइव को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव से और जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव तो देखो सबका रेशो अभी सेम हो गया सबका डिनोमिनेटर सेम है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है अभी मैं इसको प्रेजेंट करूंगा तो हाउ टू प्रेजेंट दिस अवर न्यू रेशियो विल भी क्या है हमारा न्यू रेशियो अभी हमारा न्यू रेशो बनेगा ट्वेल्व इज टू एट इज टू फाइव दिस इज अवर न्यू रेशो ओके वेरी सिंपल टू कैलकुलेट आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द फॉर्मूला इज न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो दिस ऑल कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू यूज सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट्स टाइप ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड दिस ऑल ऑफ यू हैव लर्न ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड बट देन टू वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस इन अ वीडियो सो दैट आपको पूरा का पूरा ये एक बार रिविजन हो जाए कि न्यू रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया मैंने न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो एंड बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वन माइनस जितना भी शेयर नया पार्टनर लेके आएगा वो उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा देखो अभी दो पार्टनर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं अमित एंड भावेश आर पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेश ऑफ थ्री टू टू समीर इन द शेयर फॉर वन वन सिक्स ऑफ द शेयर एंड वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो ठीक है one, one सबसे पहले हम क्या करेंगे न्यू का फॉर्मूला लिखेंगे क्या है न्यू रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला इज बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो बैलेंस इनटू ओल्ड रेशो ठीक है आपका ओल्ड रेशियो क्या है थ्री टू टू तो सेम है टोटल आ जाएगा फाइव पहले हम क्या करेंगे अभी पहले हम बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे चलो बैलेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस इक्वल टू वन माइनस वन सिक्स सिक्स इंटू वन इज सिक्स माइनस वन इज फाइव तो आपका बैलेंस बचेगा फाइव बाई सिक्स या आपका बैलेंस आ गया ठीक है जैसे ही आपको बैलेंस आने के बाद आगे का कैलकुलेशन काफी सिंपल बन जाता है आगे का कैलकुलेशन क्या है पहला कौन पार्टनर है अमित तो अमित के लिए कैलकुलेट के करेंगे बैलेंस कितना आया फाइव बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो क्या है थ्री बाय फाइव ठीक है तो फाइव थ्रीजा कितना हो जाएगा फाइव थ्रीजा फिफ्टीन हो जाएगा और सिक्स फाइजा कितना होगा सिक्स फाइजा थर्टी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड पार्टनर है हमारा भावेश, भावेश के लिए calculate करेंगे कितना हो जाएगा टेन सिक्स फाइवा कितना हो जाएगा थर्टी तो नेक्स्ट पार्टनर कौन है नेक्स्ट पार्टनर है हमारा समीर तो so, यहां पे लिखूंगा समीर ठीक है समीर का नया रेशो क्या था वन uh, सिक्स को लेके आए समीर वन सिक्स तो वन सिक्स को अभी आपको थर्टी करना है डिनोमिनेटर तो को हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी हो जाएगा तो ऊपर के न्यूमरेटर को भी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई थर्टी अब देखो सभी का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है ठीक है अभी हमारा रेशो आ चुका है अभी हम रेशो को यहां प्रेजेंट कर लेंगे अभी क्या बनेगा रेशो ध्यान से समझना रेशो बनेगा फिफ्टीन इज टू टेन इज टू फाइव अगर आप चाहते हैं तो इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन अगर आप फिफ्टीन इज टू टेन इज टू फाइव रखोगे तो भी आपका आंसर राइट है अगर आप थ्री इज टू टू इज टू वन रखोगे तो भी आपका आंसर राइट है तो दिस टू पॉइंट्स इंडिकेट्स द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो तो वी हैव कम्प्लीटेड हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड न्यू रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाईल कैलकुलेटिंग दी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन गुडविल तो ये सारे रेशोस का काफ़ी यूज यूज़ आपको होने वाला है तो मैंने आपको दो क्वेश्चन न्यू रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं वो बताया है पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा बेसिक्स कवर किया था फाइनल अकाउंट्स के बारे में अब आगे के पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेन्स या फाइनल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लो अगर 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 आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट सेशन वी विल बी मीटिंग फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट थैंक यू बाय बाय टेक केयर